आरती को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। अक्सर ही वो कुछ न कुछ सिलती ही रहती, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद होता है गाउन बनाना। यूं तो हर कोई इसके सिले गाउन की तारीफ किया करता, लेकिन उसकी सास थी कि मजाल कभी आरती की तारीफ कर दे। उल्टा वो तो आरती को हमेशा ही डांटती रहती। मनोज भी अब उसे हर बात पर टोकने लगा था। आरती, क्या दिक्कत है तुमको, क्या परेशानी है यार? जब देखो तब सिलाई लेकर बैठ जाती हो। हैं, घर के काम कौन करेगा? मेरी माँ काम करती है सारा घर का। कभी हाथ बटा दोगी तो हाथ के घिस जाएंगे तुम्हारे। मैं घर का सारा काम करने के बाद ही सिलाई करती हूँ, तो आप ही बताओ कि इसमें भला मेरी क्या गलती है। अरे बेटा मनोज, रहने दे, ये हमारी कहाँ ही सुनने वाली है। इसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। आरती को जब भी टाइम मिलता वो गाउन सिल देती। अब तो आस पड़ोस के लोग भी उसके गाउन की तारीफ करने लगे थे। पड़ोस की औरतें आरती के पास जाने लगी कि वो भी उनकी बेटियों को गाउन बनाना सिखाए। लेकिन ये बात ना तो मनोज को और ना ही उसकी माँ को, दोनों को ही अच्छी नहीं लगती थी। मनोज जी, किसी को सिलाई सिखाना कोई गलत बात थोड़ी ना है। वैसे भी लड़की अगर कुछ काम करना सीख जाए तो जिंदगी भर किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे देश की लड़कियों का ठेका तुमने ले रखा है। अरे भाई, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। एक काम कर, तू इसके मायके वालों को यहाँ बुला, वही समझा पाएंगे अब इसे। अपनी माँ की बात मानते हुए मनोज आरती के मायके वालों को फोन करता है और उन्हें घर पर आने को कहता है। अगले ही दिन आरती की माँ वहाँ पर आ जाती है। देखो जी, आपकी लड़की जब देखो तब सिलाई ही करती रहती है। अरे समधन जी, सिलाई करने में क्या बुराई है? देखो, बात ऐसी है कि हमें नहीं पसंद है कि वो दिन भर सिलाई करती रहे। अरे दिन भर गाउन सिलती रहती है, ये कोई बात है? घर में और भी काम होते हैं, लेकिन वो है कि अपना सारा ध्यान सिलाई में ही लगाए रहती है। अरे समधन जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? हमने ही अपनी बेटी को सिलाई सिखाई है ताकि वो किसी और पर निर्भर ना हो। अब जब माँ ही ऐसी बात कर रही है तो बेटी तो ऐसी बात करेगी ही ना। ये सारे एक ही ताली के चट्टे पट्टे हैं। मम्मी जी, हमने आपको बुलाया है ताकि आप अपनी बेटी आरती को समझाओ। हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, शायद आपके समझाने से समझ जाए। देखो आरती, अगर तुम्हें सिलाई करनी है ना तो तुम हमसे अलग हो जाओ, फिर जो मन करे वो आराम से करती रहना। माँ जी, मैं अलग क्यों हो जाऊँ? आरती, माँ गलत भी क्या कह रही है? तुम जब देखो तब सिलाई लेकर बैठी रहती हो। अरे घर के काम ना करने के बहाने हैं ये सब। अब तुम एक काम करना, घर के बाहर जो कमरा है ना वहाँ रहना, अंदर मत आना। अब बेचारी आरती को ये भी नहीं पता था कि उसका गाउन सिलना उस पर किस कदर भारी पड़ेगा। वो तो बस इसे अपना हुनर समझती थी, लेकिन उसके सास और पति को ये फालतू काम लगता। उन्हें तो इस बात की समझ ही नहीं थी कि वो इस काम से पैसा भी कमा सकती है और जरूरत आने पर घर का खर्च भी चला सकती है। बेटा आरती, जब तुम अलग हो ही रही हो ना, तो एक काम करो, तुम ना अपना सिलाई का काम शुरू करो। तुम गाउन सिलना और उसे बेचकर अपना खर्चा निकालना और बाकी लड़कियों को भी सिखाना। इससे तुम्हारी आमदनी और ज्यादा हो जाएगी और लड़कियां सीख भी जाएगी। मैं तो चाहती हूँ और लड़कियां सीखे और किसी पर निर्भर ना हो। अब आरती अपने सास और पति से अलग रहने लगती है और सिलाई कढ़ाई का काम अच्छे से करती है। इतना ही नहीं, अब तो चार लड़कियां उसके पास गाउन सिलने के लिए भी आती हैं, जिन्हें वो बहुत अच्छे से गाउन सिलना सिखाती है। ऐसे ही आरती का काम चलता रहता। क्या हुआ आरती, तुम्हारा सिलाई का भूत उतरा नहीं क्या अभी तक? अरे हमसे दूर रहकर क्या ही मिल जाएगा तुमको, जिद को छोड़ो और घर वापस आ जाओ। मनोज जी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए और लड़कियों की भलाई के लिए काम कर रही हूँ। अरे इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ मनोज, रहने दे। एक दिन आरती के पास एक औरत आती है और वो बहुत ही सुंदर सी साड़ी लाती है और कहती है, आरती बेटा ये लो, तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा है। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, तूने हमारी बेटी को जो काम सिखाया है उससे वो अपना और अपने बेटे का पेट भर पा रही है। तू तो जानती है कि उसके पति के मरने के बाद उसके सास ने उसका जीना हराम कर दिया था। आंटी जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी बेटी अब किसी पर निर्भर नहीं है और वो अपना और अपने बेटे का पेट भरने में सक्षम हो गई है। ये सारी बातें मनोज और उसकी माँ भी सुन रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने आरती के काम की अहमियत नहीं समझ आती। लेकिन फिर एक दिन, माँ माँ, मैं बर्बाद हो गया। माँ, क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों परेशान है? माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद होने की कगार पे आ चुकी है और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है।
ये बात सुनकर मनोज की माँ की तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों माँ बेटा परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे घर खर्च चलेगा। आरती को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी सास और पति से मिलने घर के अंदर आती है। मनोज जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे परेशान ना होऊं तो क्या करूं? डांस करूं यहाँ पर? माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अब इस बुरे वक्त में मैं मदद करूँगी आप लोगों की। क्या तुम करोगी मदद मेरी? कैसे करोगी जरा बताना। मनोज जी, मैं सिलाई करके इतने पैसे कमा सकती हूँ कि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल जाए। तू तो रहने ही दे, तुझे तो बस मौका चाहिए हमारे घर में आने का। माँ, आरती सही कह रही है, इसकी बात अब मुझे समझ में आ रही है। हमें न कभी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हाँ मनोज जी, सिलाई के जो भी पैसे मुझे मिलते हैं ना, वो हम घर के खर्च में इस्तेमाल किया करेंगे। तब तक आप अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लेना। आरती मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारा बहुत अपमान किया, लेकिन फिर भी आज जब मुझे जरूरत है तो तुम मेरे साथ हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अपनी की हुई गलती और अपने कहे हुए शब्दों पर मैं पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तूने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया, अब मैं क्या करूँगी? मेरा बेटा भी अब मेरे पास नहीं है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। माँ देखना, तुम्हें भी ना एक दिन आरती की बातें समझ में आ जाएंगी। अब तो आरती पहले से भी ज्यादा मेहनती हो चुकी थी, पहले से भी ज्यादा वो गाउन सिलने लगी, पहले से भी ज्यादा उसके बनाए गाउन बिकने लगे। लोगों को उसके सिले हुए गाउन बहुत ही पसंद आते और ऐसी आरती पैसे कमाने लगी और घर खर्च में मदद करने लगी। मनोज अब आरती का साथ देता, उसके बातें भी सुनता और इसी बीच मनोज की माँ बीमार पड़ जाती है। माँ चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। मनोज बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें। अरे माँ क्यों चिंता करती हो, आरती है ना, वो इतनी मेहनत करती है, किसके लिए करती है, हमारे लिए करती है ना, तो पैसा दे देगी वो। हाँ माँ जी, आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज अच्छे से करवाइए। सास अपने मन में सोचती है कि मैंने हमेशा ही आरती को उसका काम करने से रोका है, मैंने उसे न जाने क्यों ही कुछ कहा, लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचती और आज भी वो हमारे बारे में ही सोच रही है, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती है। जब जब मैं बीमार पड़ती हूँ वो एक बार भी पैसा देने से पहले नहीं सोचती, मेरी बहू कितनी अच्छी है। आरती, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? मैंने तेरे साथ ना जाने कितना गलत बर्ताव किया, मैंने तो तुझे घर से ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी तू मेरी कितनी चिंता कर रही है। अरे आप तो मेरी सास है, भला आप मुझसे माफी क्यों मांगती हो माँ जी? आप अभी डॉक्टर के पास जाइए और जाकर अपना इलाज करवाइए। मनोज अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उनका अच्छे से इलाज करवाता है। दोनों घर पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आरती घर का सारा काम कर चुकी है और खाना भी बना चुकी है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैंने आप सभी के लिए खाना बना दिया है, हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आरती यार तुम तो कमाल की हो, अरे तुम तो बुरे वक्त में भी ना समझदारी से काम लेती हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है। अरे बस भी कीजिए, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। हाँ बहू, मनोज कुछ गलत नहीं कह रहा, अब तुम घर में ही रहकर गाउन सिलने का काम करना और हम भी तुम्हारी मदद किया करेंगे। इस तरह अपने हुनर से और अपने अच्छे स्वभाव से आरती ने बुरे वक्त में अपने परिवार की मदद की और सभी की सोच को भी बदला। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।